सोशल वर्ड सब देखते हैं, सप्लीमेंट का सफर बढ़िया होंगे तो फिर से लेके आज को आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो रखें। तो बस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग ब्लर वाला इफेक्ट किस तरह से अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। तो बस अगर आप भी कुछ इस तरह से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप इस तरह का जो है ब्लर वाला इफेक्ट आप अपने वीडियो के अंदर इजीली ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा बिल्कुल सेम आपको उसी तरह का बताऊंगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक वॉच करते रहना और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउन कर सकते हो और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो गाइस आपको सबसे पहले करना है कि आपको प्लस पे क्लिक करना है और जहाँ पर 916 वाला रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आप अपना जो भी फोटो मतलब कि वीडियो के अंदर इस तरह का इफेक्ट ऐड करना चाहते हो सिंपली अपने वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद क्या करना है कि आपको जो है सिंपली आपको सो गाइस वीडियो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना है लाइनस चेक्स करके, ठीक है, LI। तो देख सकते गाइस यहाँ पर हमने LIN लिखा, जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारा इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिखेगा स्टैंडर्ड सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में एक प्लस की ऐड करना है, ठीक है, और आपका वीडियो जैसा रहेगा आप उसके हिसाब से आगे पीछे करके यहाँ पर क्या करना होगा, एक और आपको यहाँ पर प्लस की ऐड कर देना है, ठीक है। इसको गाइस क्या करना है कि आपको 0-0 कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट में ये रहेगा इसको 0.02 कर लेना है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 0.02 रख लेना है यहाँ पर, कुछ इस तरह से कर लेना, आपको देख सकते कुछ इस तरह पर आपको देखने को मिलेगा। ये इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करना है और इस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना और आपको एंगल पे क्लिक करना है, ठीक है। एंगल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको 45 डिग्री कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से 45 डिग्री करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से 45 डिग्री कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एंगल पे आना है। एंगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर जो है इसको 90 डिग्री कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आपको और आगे इसको बढ़ा लेना थोड़ा, सिंपली आपको यहाँ पर 90 डिग्री रख लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से थ्रेड पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है इफेक्ट को, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर आपको एंगल पे आना है और यहाँ से 135 डिग्री कर देना है, ठीक है। इसको सिंपली 135, तो देख सकते 135 डिग्री यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना, फिर हाथ पे डुप्लीकेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपने इफेक्ट पे आना है, फिर एंगल पे आना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पर 175 डिग्री रख देना है, ठीक है। सिंपली आपको आगे बढ़ा लेना है और यहाँ पर कर लेना है 175 डिग्री। इतना हो जाने के बाद देख सकते कुछ इस तरह से इफेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। और अब गाइस अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियोज में सिर्फ स्टार्टिंग में ये वाला इफेक्ट रहे और आगे में नॉर्मल इस तरह से रहे तो आप कुछ इस तरह से करके छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपके और भी पार्ट्स में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप ट्रिम कर लो अपने वीडियो को कुछ कुछ पार्ट को और आप चाहते हो कि वहाँ पर हमारा इस तरह से इफेक्ट है फिर हमारा वीडियो प्ले हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पूरा ट्रिम कर लो यहाँ से थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या करना होगा कि अब आगे वाले और भी पार्ट्स में अगर इस इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, फिर और पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और जहाँ जहाँ आप ऐड करना चाहते हो जिस अपने पार्ट में आपने ट्रिम किया है वहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना इस इफेक्ट को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इफेक्ट आपके पेस्ट हो जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर आप नहीं चाहते आप हर पूरे पार्ट में अपने इफेक्ट को इस तरह से ऐड करना, आप चाहते हो सिंपली आपके स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से इफेक्ट रहे और बाकी वीडियो प्ले रहे इस तरह से प्ले हो, तो आप सिंपली इस तरह से छोड़ सकते हो, ठीक है, आगे में ऐड करके। इस तरह से करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा, काफी आसान तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सेव आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आज के वीडियो में हमारा एडिटिंग था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।